नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत काम का है, गैस, एसिडिटी, अफारा, खाना ढंग से नहीं पच पाना। बड़े हों या फिर छोटे, सबको ये समस्या कॉमन है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर आरपी पराशर। डॉक्टर पराशर दिल्ली नगर निगम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि गैस की जो समस्या है वो इतनी कॉमन क्यों है। हाल के कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि बड़े लोग हों या फिर बच्चे हों, बुजुर्ग तो खैर ऑब्वियसली उनकी तो ये प्रॉब्लम है ही, गैस बनती है पेट में और फिर उनको लगता है कि पूरा दिन भर पेट भारी रहता है, अफारा जैसा हो जाता है और बेचैनी रहती है। तो क्या वजह है गैस की समस्या की? देखिए, गैस बनने की जो दो वजह हैं, पहली बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करना और दूसरा जरूरत से भूख से ज्यादा खाना। आमतौर पर स्वाद के चक्कर में हम आजकल इतना खा जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम जो पेट हमारा जितनी क्वांटिटी मांग रहा है उससे कितना ज्यादा खा गए हैं। स्वाद जब हम बाहर जाते हैं खासकर, तो बाहर के खाने में चूंकि वो मसाले और उन चीजों से वो इतना स्वादिष्ट बना होता है कि हम जीभ पर काबू रख नहीं पाते हैं, तो फिर नतीजा पेट को भुगतना पड़ता है, गैस बनती है। और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है कि उनमें जो फैट और जो मसाले यूज होते हैं वो गैस बनाने का कारण बनते हैं, क्योंकि जी हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने एंजाइम्स और जूसेस का सीक्रेशन होता है वो एक हमारी जितनी भूख है उसके हिसाब से होता है, पर अगर उससे ज्यादा ठूस रहे हैं तो ठूसने से सिक्रीशन तो उतना ही होना है और वो फैट भी उस किस्म का होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, उसके वजह से गैस बनती है, उसके वजह से अफारा होता है, उसके वजह से पेट दर्द होता है। जी संभवतः एक वजह मुझे लगता है ये भी है कि जो वक्त बेवक्त का खाना, एक तो पैक्ड फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया, तला भुना खाना जो बाहर से खाते हैं, और शायद वक्त बेवक्त खाना, क्योंकि पहले एक चलन था कि आप दिन में 2 बार या 3 बार खाएंगे। अब क्या होता है कि बीच में इतनी बार स्नैक्स होते हैं, कई बार बिना स्नैक्स के ऐसे आप किचन में जाते हैं तो कुछ भी उठा के खोल कर खा लेते हैं। तो शायद ये भी एक रीजन है, जो हमने खाना खाया है उसको पचाने के लिए जो एक वक्त चाहिए होता है वो हम देते नहीं है अपने पेट को। जी जी हाँ, मैंने पहले ही बोला कि जितना हमारा शरीर मांग रहा है, जितनी हमारी भूख है, उससे हम कहीं बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। चाहे आप उसको बार बार खाने के रूप में ले, चाहे एक ही बार बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते आपका ध्यान उधर, आपको पता ही नहीं कितना खाना आप खा गए हैं। तो उन सब चीजों में जो ज्यादा मात्रा में खाना खाया जा रहा है और जो ज्यादा उसमें फैट है वो इन चीजों का कारण है। उसके जी बाद ये कि एक मोटा फॉर्मूला है कि जितनी आपने कैलोरी ली है उतनी आप बर्न कर लें, यानी उतनी आप एक्सरसाइज कर लें, लेकिन कैलोरी बर्न हम करते नहीं है, हाथ पैर हिलाते नहीं है, तो जितनी कैलोरी अंदर गई है वो नुकसान ही करेंगी, वो फिर गैस बनाएंगी, वो पेट को फुलाएंगी, अफारा करेंगी। जी बात अब चूंकि अफारा आपने कहा, तो गैस और अफारा में अगर एक अंतर मैं जानना चाहूं, क्या होता है मेजरली? दोनों एक ही चीज है या फिर कुछ अंतर भी है? देखिए, गैस जब बननी शुरू हो गई है उसमें एक ऐसी स्थिति आती है कि गैस शरीर से निकल नहीं पाती, ना डकारा पाती है और ना वो जो है किसी और तरीके से निकल पाती है, तो पेट फूल जाता है, उसको हम अफारा बोलते हैं। गुब्बारे की तरह हो गया है कि वो गैस कहीं से भी नहीं निकल पा रही है और पेट फूलता ही जा रहा है, यानी गैस अंदर बनती जा रही है जिसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जो निकल नहीं पा रही है, तो वो फिर अफारा की स्थिति बनती है। जी, एक और चीज है जो अक्सर लोग जिसकी समस्या करते हैं कि गैस सिर को चढ़ गई, सर में दर्द हो गया। कई लोग उसे बीपी से कनेक्टेड मान लेते हैं कि शायद ये, कई लोग हेडेक मानते हैं कि सर दर्द है, सामान्य सर दर्द जो होता है, लेकिन संभवतः कई बार देखा जाता है कि गैस उसकी वजह होती है और वो काफी दिक्कत करता है, बहुत ही सिवियर जिसको पेन बोलते हैं, बहुत ही तीखा दर्द होता है उस मोमेंट पे। ये भी क्या वजह है कि जो गैस है वो इस फॉर्म में, जैसे आप भी आपने बताया कि जब निकल नहीं पा रही है शरीर से तो या तो अफारा आ जाता है या फिर हो सकता है कि वो सर को भी चढ़ती हो। तो अगर ऐसा कोई चीज होती है तो उसको उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, कैसे राहत पा सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली सिर में गैस चढ़ती है, और वो कैसे चढ़ती है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे आंतों में पचता है, उसके बाद उसका बहुत सूक्ष्म रूप जो है वो खून में जाके मिलता है और पूरे शरीर में फिर वो घूमता है। तो अगर वो गैस भी साथ में बन रही है तो गैस भी उस सूक्ष्म कणों के साथ ही जाएगी, वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी और फिर वो सारे शरीर में जो है गैस चली है वो सिर में भी चढ़ेगी। तो उसमें हमें जब लगता है कि भाई गैस की वजह से सिर में भारीपन है, गैस की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केसेस में हम जो है हम सबसे पहले तो अपने आगे के लिए खाने की आदत को रोकें कि हम कम खाएं
और सही अच्छा भोजन खाएं जो अच्छी तरह पकाओ जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा नहीं। और जब गैस बन गई है पेट में है या सिर में चढ़ गई है, तो उसके लिए हमें आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं। हिंगवास्तक चूर्ण है, लवण भाजकर चूर्ण है, हिंगवास्तक चूर्ण के साथ दाढ़ी मस्तक चूर्ण है, तो वो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हमारे घर में जो भी कुछ उस टाइम मौजूद है, गर्म पानी में हम नींबू डाल के ले सकते हैं, हम सौंफ चबाकर ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, हम जीरा चबाकर उसको ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, अजवाइन को चबाकर ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। इसी तरह अदरक है, सौंठ, उसको भी चबाकर अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो वो भी मतलब हमारी गैस को खत्म करने में मदद करेगा। जी, कई लोग खासकर बच्चों में जो है नाभि में लगाते हैं हींग को पीस कर, तो क्या ये बड़े लोगों में भी इफेक्टिव होता है? बच्चों में तो अक्सर देखा गया है कि हाँ ये असरदार होता है और गैस रिलीज हो जाती है, लेकिन क्या बड़ों में भी असर करता है? जी हाँ, हींग हम अपने घर में वैसे भी सब्जियों में यूज करते हैं, तो हींग डेफिनेटली गैस को खत्म करता है। तो इनमें से किसी भी चीज है, अकेला हींग भी अगर हम थोड़ा सा चाट कर ऊपर से गर्म पानी पियेंगे तो वो भी असर करेगा, क्योंकि जी नाभि जी में तो वो जो जी एक माता के गर्भ से जो एक चैनल बना होता है वो कुछ दिन बाद तक असर करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो वो नाभि वाला चैनल खत्म हो जाता है। हमें बड़े लोगों को तो मुंह से ही लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा ये एक और सवाल है, वो ये है कि जो भी आपने बताया कुछ चूर्ण के नाम आपने लिए थे, तो क्या वो चूर्ण जो है बिना डॉक्टर की, बिना आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह के, बिना वैद्य की एडवाइस के भी लिए जा सकते हैं? देखिए, किसी भी बीमारी के लिए अगर आप डॉक्टर की सलाह लें तो वो तो सबसे अच्छी बात है। और फिर हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, हम आयुर्वेद में तो ये मानते हैं, वातज जी प्रकृति है, पित्तज है, कफज है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें दवा का निर्धारण करना होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कहूंगा कि कोई भी दवा आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ना। जी नहीं, जो अभी आपने जिक्र किया था चूर्ण की, ये भी दवा की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि मुझे लगा चूर्ण तो हम लोग वैसे भी जी जी चलन में। बिल्कुल जी अच्छा, इसका मतलब जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे हमारा एक सलाह है कि वो कोई भी चीज अपने जो भी उनके आसपास जिस पे भी भरोसा करते हो, जिस भी विधा के एक्सपर्ट डॉक्टर हो, उनसे वो बातचीत करें, उनसे सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी चीज, कोई भी दवा लें। जी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम वापस लौट के आते हैं, हेल्थ ओपीडी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी एक्सपर्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए। यहाँ मेरी लोगों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं, देश के बेहतरीन एक्सपर्ट के माध्यम से वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पराशर साहब, यहाँ एक सवाल मेरा आता है कि चूंकि हमारी कोशिश है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को थोड़ा बहुत उनको सही जानकारी भी दे सकें, तो दवाई की बात तो हो गई, दवाई बिना एक्सपर्ट के, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना वैद्य की सलाह के नहीं लेनी है, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय जरूर होते हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कि पहले आप कुछ घरेलू उपाय हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ आपने बताए भी अभी, कुछ और चीजें हैं तो आप उन्हें बताएं कि जो वो कर सकते हैं जिससे गैस में राहत। दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल में गैस बने ही कम, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और एक जिस मोमेंट में गैस हो जाए तो उसको निकालने के लिए क्या करना है? खाने के बाद आप सौंफ चबाएं, खाने के बाद आप छोटी हरड़ चबाएं, खाने के बाद आप भुना हुआ अजवाइन चबाएं, तो फिर आपकी गैस नहीं बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खासकर रात के खाने के बाद आपको टहलना जरूर है। होता क्या कि हम खाने के बाद टीवी पर बैठ गए और उसके बाद जो है लगातार बैठे हुए हैं तो वो अफेयर और गैस बनाएगी। तो ये आप तो बिल्कुल एक सूत्र रूप में इसको स्वीकार कर लें, अपने मन में बैठा लें, नियम बना लें कि रात के खाने के बाद आपको 15-20 मिनट टहलकर जरूर आना। जी, संभवतः कुछ और चीजें, जो कि आपने डाइट की बात की है, तो जैसे कि शायद वक्त पर खाना और रात को बहुत देर से नहीं खाना, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से दोहरा दें उन चीजों को जो चीजें आपने बताई, उसके अलावा और किन चीजों का ध्यान रखना है? एक तो रात को हमें बहुत तेज मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, दूसरी दालें, उनमें प्रोटीन होता है, भारी होती है पचने में, और आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम रात को ही दाल खाते हैं। ये एक अजीब सा सिस्टम बन गया है जो कि हमें छोड़ना पड़ेगा। दालें आप दिन में खाएं क्योंकि वो पचने में भारी होती है, गैस बनाती है, तो दालें हमेशा दिन में खाएं। सिर्फ एक मूंग की दाल ऐसी है जो हम बीमार आदमी को भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं, नहीं तो हमें रात को दालें नहीं खानी है। रात को हम हरी सब्जी खाएं, घिया, तोरी, टिंडा, पालक, तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और वो हमें गैस नहीं बनाएगा,
पचने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे पनीर वगैरह और जो बाकी चीजें जो कि पचने में भारी होती हैं वो भी हम रात को ना लें। रात को आपको बिल्कुल हल्का खाना है, दाल मखनी आपको नहीं लेनी है, आप घिया की सब्जी लीजिए और तोरी की सब्जी खाइए। लेकिन जो बाहर अगर हम खाने जा रहे हैं तो उसमें सब में तरी में वो बहुत ज्यादा फैट और वो सब होता है, तो उसको हम अवॉइड करें। इवन फंक्शन में भी आमतौर पर रात के फंक्शन होते हैं शादी ब्याह में, और वहां पर हम रात को जाके अपनी पसंद से एक तरफ से शुरू तो आखिर तक खाते चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि वहां भी आप जो है ना अपने पेट को देखकर खाएं, आप एक दो तीन चीजें वहां पर चूज कर लें उससे खाएं ताकि आपको भारी भी ना करें, और स्वाद के लिए तो फिर आप कुछ भी चले जाइए कहीं, वो तो फिर खत्म होने वाली है ही नहीं। आपकी इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती हैं, स्वाद जो जीव है वो तो कभी उसकी इच्छा तो पूरी होगी नहीं। तो कम खाइए, हल्का खाना खाइए और सुपाच्य खाना खाइए। गेम एक और बात यहाँ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि डबल प्रोटीन या फिर डबल कार्ब ले लेते हैं, तो वो भी शायद पचाने में दिक्कत करता है, क्योंकि इकलौता प्रोटीन ही आसान नहीं होता पचाना, खासकर रात में। तो पनीर के साथ दही लिया या फिर आपने दो तीन तरह के अनाज एक साथ ले लिए, तो संभवतः वो भी पचाने के लिए उतना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? जी हाँ जी। एक तो जो कॉम्बिनेशन है खासकर ठंडी चीजों के साथ, जैसे आप फंक्शन में गए आपने सब कुछ खा लिया उसके बाद आपने दही बल्ला ले लिया, उसमें दही है वो ठंडी भी है और वो पचने में भारी भी है। इसी तरह आपने कोल्ड ड्रिंक साथ में ले लिया, ठंडा पानी पी लिया, आजकल चूंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ठंडा पानी तो चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम पानी लेना चाहिए। जितना ठंडा पानी पियेंगे वो हमें नुकसान करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिक्रीशन होता है एंजाइम्स को रिड्यूसिंग का, उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगा और जो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। तो ध्यान रखें ताजा पानी पिए, या अगर बहुत अच्छा हो कि खाने के बाद आप उबलता हुआ पानी एक कप। जी बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको आजमाने के बाद गैस की जो दिक्कत है उसे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। डॉक्टर पराशर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।